चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सी के ई डी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी बी मेहता साहब भी जुड़ गए हैं। पाम तेल पर उनसे राय ले लेते हैं, क्योंकि पाम तेल में आज इंट्राडे में काफी गिरावट दिखी। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रिकवरी भी बाद में दिखी, लेकिन 3500 रिंगिट के भी नीचे मलेशियाई पाम फ्यूचर्स फिसल गया था। तो किस तरह की क्या एक मंदी, ग्लोबल मंदी की चिंता में भाव टूट रहे हैं या कुछ और है? और अगर ये नरमी आ रही है तो कितने दिनों तक ये नरमी चलने वाली है खाने के तेल पर? मेहता साहब क्या लग रहा है, ये नरमी कब तक चलेगी? और पाम तेल के बाद क्या सोया तेल और आगे सनफ्लावर ऑयल में भी इस तरह की तेज गिरावट, स्टीप फॉल की संभावना है क्या? देखिए, काफी दिनों से बैरिश मार्केट चल रही थी और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ ही रही थी, पर ये सडनली जो ड्रॉप हुआ है, देयर आर दो तीन रीजन है। आज जो मार्केट टूटी है, जो सुबह तो 250-300 पॉइंट नीचे थी, अभी थोड़ी रिकवरी होकर 200 पॉइंट थर्ड मंथ में है, कोई 3550 के करीब रिंगिट पे है। रीजन एक तो दो तीन रीजन है। एक तो जो चाइना की अनसर्टेनिटी हुई, रिपोर्टों को पता नहीं चल रहा है ग्लोबली, उसमें सेंटिमेंट डिस्टर्ब काफी हो चाइना के वजह से कि भाई चाइना में क्या हो रहा है। दूसरा जो है, जो प्रोडक्शन है रिकवर काफी हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, साथ में डिमांड नहीं निकल रही। डिमांड इसके लिए कि जो जितने फोरकास्ट दिखा रहे हैं, आगे लोअर ही फोरकास्ट दिखा रहे हैं। जो अभी परसों हमारे जो ग्लोबल इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आगरा में, वहां दोहरा मिश्र ने भी यही बताया कि भाई वो तो चाहते 3000 तक का 3000 रिंगिट आ जाएगी मंथ ऑफ एंड, तो उसने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो मतलब पूरा सेंटिमेंट डाउन है। तो आज अगर जब भी मार्केट नीचे जा रही है तो बाइंग नहीं निकलता है, मार्केट ऊपर जाता भी बाइंग निकलता है। अगर आज मेरे को लेना, मेरे को 15 दिन के बाद वाला चाहिए, तो मैं आज क्यों लूँ, 15 दिन बाद में लूंगा। तो उसके वजह से डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है मलेशिया इंडोनेशिया में। दूसरी वजह ये है। तीसरा वजह है, एक तो जो आपने पूछा सोयाबीन सनफ्लावर, वहां ही है कि सारे मार्केट इज मूव इन टैंडम। अगर आप देखें मार्च महीने में क्या हमारी हालत थी और अभी क्या थे, मार्च महीना सॉरी मई महीने में जो आरबीडी ऑलिव था कोई $1900 था, आज कम होकर $900 पे आ गया। से सीपीओ भी कम से 900 डॉलर कम होकर आज वो भी $900 पे आ गए, आधे से नीचे ज्यादा गिरा है। बाकी रहा जो सोया, कम से 700 डॉलर गिरा, और सनफ्लावर भी $750 गिरा मई महीने से अब तक में। 3 महीने में जो मार्केट नीचे जा रही है और डिमांड नहीं है। हम जो मार्केट में भी बात कर रहे हैं तो फेस्टिवल होने के बावजूद लोकल में इतनी डिमांड नहीं है और स्टॉक बढ़ रहा है। कम से कम इंडिया में अभी 24 लाख से ज्यादा स्टॉक है, जो नॉर्मली हमारे रिक्वायरमेंट 1 महीने की रिक्वायरमेंट 22 से 23 लाख है, उनके अभी 24 लाख का स्टॉक है, पाइपलाइन फुल है। उसके वजह से भी एक मंदी का डिप्रेशन आया है, इंडिया में भी भाव जा रहा है नीचे और इंटर से मार्केट भी जा रहे हैं। हाँ जी जिस तरह से मॉनिटरिंग टाइटिंग हो रही है, ग्लोबल मंदी की चिंता है, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल निगेटिविटी की तरफ से जा रहा है। सर, इंडिया में अब जिस तरह से अब दाम वापस से गिरने लगे हैं, तो फोकस तो अब किसानों का और रुझान इधर कम होगा, तो एडिबल ऑयल मिशन की जो तैयारी थी उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी? देखिए, दो चीज, दो क्वेश्चन आपने साथ में पूछा है। एक तो मिशन, हम 3 साल से लगे हुए थे कि नेशनल मिशन एडिबल होना चाहिए। 1992 में हमारी डिपेंडेंसी 3% थी, आज कम से 60% डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है। ये साल का जो बजट एक्सचेकर पे आएगा प्रेशर, टोटली फ्रॉम नवंबर 21 टू अक्टूबर 22 कम से कम 13 मिलियन से प्लस माल आएगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1,50,000 करोड़, रफली अबाउट $20 बिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो भी एक चिंता का विषय है। जो आज से 2 साल पहले 10 बिलियन था, 75,000 करोड़ का जो 2 साल पहले थे, डबल हो गया। हो सकता है ये साल अभी जैसे भाव गिरे तो 22 और 23 में थोड़ा बिल कम हो, मगर ये चिंता का बड़ा विषय है। और इसके गवर्नमेंट चेंज, और 3 साल से हम भी उसमें जो टेक्नोलॉजी मिशन है उसके साथ जुड़े हुए, काफी सुझाव दिया थे। और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑफिशियली दे विल लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, बहुत जरूरी है। पर उसके लिए भी थोड़े पॉइंट्स जरूरी है कि भी कैसे करना चाहिए। आप टारगेट फिक्स दे कि 2026 तक 18 मिलियन टन का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना जरूरी है, उसके लिए क्या करना है वो टारगेट दिए। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि जो एक्सेस है आपके पास, वीट और राइस,
वहां रोटेशन फिर है, बस रबी से रबी में आप वीट की जगह पे मसर लेके जाइए, खरीफ में राइस की जगह मक्का और दूसरा लेके जाइए, वो एक जरूरी। दूसरा एमएसपी आप बढ़ाते रहे, पर एमएसपी का दोनों यूज करना चाहिए, इंसेंटिव डिसेंटिव। जहां क्रॉप ज्यादा है जैसा वीट राइस, तो वहां जरूरी का हर दफा एमएसपी बढ़ाते रहो, और जो क्रॉप जहां जरूरत है पल्सिस और ऑयल सीड, तो वहां एमएसपी बढ़ाइए, और एमएसपी बढ़ा दे, एमएसपी को डिफेंड भी कीजिए, ताकि डिफेंड का मतलब यही है कि आप ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा रखिए ताकि किसान को सही दाम मिले। अगर सही दाम नहीं मिलेंगे तो किसान फिर से तेलन या तो पॉलिसी से बाहर निकल के फिर से कॉटन में चले जाए। इस साल क्या हुआ गुजरात में, देखो कम से कम 3.5 लाख हेक्टेयर ग्राउंड नट का एकरेज कम हुआ। क्यों? किसान ने देखा कि कॉटन में ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, तो एक तो ये हुआ। दूसरा अभी जो एमएस सोयाबीन का जो एकरेज है 120 लाख के करीब एक हेक्टेयर का एकरेज है, अब तक का रिपोर्ट अच्छे हैं, कोई नुकसान का खास कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा लगता है कि एक रिकॉर्ड सोयाबीन का क्रॉप भी ऐसा होगा, प्लस कैरी फॉरवर्ड भी काफी है, तो उसका ओके वजह प्रेशर आएगा। जो आज सोयाबीन 5,000 रुपये के करीब है, अक्टूबर ए महीने में जैसे अराइवल पिकअप होगा तो और नीचे जाएगा, ओके सर, लेकिन चार हजार अब तीन सौ एमएसपी है। जी सर, अब लेकिन हाँ जी एक सवाल ये है, उत्पादन जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उस समय ही भाव कम आते हैं, बम्पर उत्पादन का भी अनुमान सबसे ज्यादा उस समय ही आता है, क्या ऐसे में किसान खेती की ओर कैसे जाएंगे जब उनके भाव ही नहीं मिलेंगे, जब उनके अराइवल का टाइम, नई आवक का समय होता है, फसल के आने का समय, उसी समय भाव नहीं मिलता है? आपकी बात सही है, उसके लिए भी एक है कि आप जब भी फसल के टाइम में जो भाव मिल रहा है, क्योंकि सारे किसान साथ में आते बेचने के, जो बड़े किसान है वो तो अपने पकड़, छोटे किसान उनको भी पैसे की जरूरत है, तो एराइवल का प्रेशर बढ़ता है। तो हर साल आप देखें तो प्राइस गिरेगी, मगर अगर एमएस के ऊपर उनको 20-25% मिल रहा है, चाहे आज सोयाबीन का 4,300 है, अगर 5-5.5 हजार रुपये मिले तो ठीक, एक रिजनेबल रेट उनको मिल रहा है। पर क्या हुआ है, लास्ट ईयर किसानों ने 8,000-9,000 रुपया देखा है सोयाबीन का, और अभी ये साल 5-5.5 भी मिलेंगे तो खुश नहीं होंगे। लास्ट ईयर का जो भाव बढ़ने का एक अलग रीजन था, मगर इस साल 5-5.5 एक रिजनेबल प्राइस है कंज्यूमर के लिए और फार्मर के लिए। और क्या हुआ, अगर आप सोयाबीन का लास्ट ईयर इतने भाव ऊपर बढ़ गया, क्या हुआ अपना जो नॉर्मली सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट 10 से 15 लाख हो रहा था, कल लास्ट में हुआ ही नहीं कर। अगर 5-5.5 हजार रुपया है तो आपका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे सोयाबीन मिल, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होगा आपको। तमाम ऐसे मुद्दे हाँ जी हालांकि देखते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन है, उस लिहाज से बेहतर समय चल रहा है, क्योंकि भारत जैसे कंजम्पशन वाले कंट्री के लिए, जहां पर हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है, 60% हम खाने के तेल इंपोर्ट करते हैं, और ऐसे में अगर दाम कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है। चलिए शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब कुछ सवाल जवाब का